बायो का आज हम देख लेते हैं फर्स्ट ईयर की बायो का, और उसमें हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करूँगी मैं। फोर्थ चैप्टर में एक एक ऑर्गेनेली को मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, ये सेल होता है, सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं। ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक नेटवर्क निकल रहेगा ट्यूब्स का, चैनल्स कहते हैं ट्यूब्स को, इस सीन एक्सटेंडिंग वो आपको नजर आएगा कि वो फैला हुआ होगा, एक्सटेंड हुआ होगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? सेल के साइटोप्लाज्म में। दिस चैनल्स आर ऑफन कॉन्टीन्यूस विद मेम्ब्रेन। ये हमारे पास कहाँ, इसका कहाँ से ही स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमारे पास सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। आप इस तरह से इस पर कंसीडर करें कि हमारे पास एक सेल है और सेल की ये हमारे पास एक सेल है और सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसका ये कहाँ से कॉन्टीन्यूस होगी, ये यहाँ से एक्सटेंड हुई होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हुई होगी और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक कॉन्टैक्ट होगा। अब ये सेल के सेंटर में एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऑर्गेनेली को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका जो नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो यहाँ से लेके फैला होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फैला होता है न्यूक्लियस तक, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस तरह का नेटवर्क होता है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर न्यूक्लियस जहाँ तक पड़ा होगा उसकी मेम्ब्रेन तक जो है ये नेट जाल फैला होगा, ये ट्यूब्स का जाल या जो भी जाल है ये फैला होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल। दिस एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो पूरा चैनल है इसको हमने नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दिस मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपेरेंस, ये हमारे पास इसकी अपेरेंस डिफर करेगी, वेरी करेगी सेल एक सेल से दूसरे सेल से, यानी एक सेल में इसकी अपेरेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी तो दूसरे में इसकी डिफरेंट हो सकती है। द मटीरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल, ये जो इसमें मटीरियल प्रेजेंट होगा इस चैनल में वो सेपरेट होगा साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से, यानी जो इसके अंदर मटीरियल प्रेजेंट होगा उसका बाहर जो मटीरियल प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मिक सेल के उससे ज़रा ये सेपरेट होगा। किस तरह सेपरेट होगा, इनकी मेम्ब्रेन के जरिए। ये जो मेम्ब्रेन हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इन मेम्ब्रेन की वजह से, मेम्ब्रेन कहते हैं इसी भी, जैसे कि एक बॉक्स लेने तो उसके इर्द गिर्द जो उसकी बाउंड्री होगी वो हमारे पास उसको दूसरी चीज़ से बचा रही होगी। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारे पास इसका कांटेक्ट, इसके अंदर वाले मटेरियल जो होगा उसका फिर यहाँ वाले साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म वाले मटेरियल से कांटेक्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह क्या होगी, ये मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि हमारे पास द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्ने, और इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे रहे हैं, सिस्टर्ने का। यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, यानी ये सीधी सीधी होंगी और जहाँ पे यहाँ पे कैसी होंगी, ये ट्यूब्स लाइक मेम्ब्रेन होंगी। तो दोनों मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन होंगी, एक यहाँ स्फेरिकल होंगी या फिर ट्यूब्स लाइक मेम्ब्रेन होंगी, जिसको हम दोनों का नाम देंगे सिस्टर्ने का, ठीक है। देखिए ये सिस्टर्नी का नाम दे दिया इन इस मेम्ब्रेन को भी, और इनके जो मेम्ब्रेन होंगे उनको हमने नाम दे दिया सिस्टर्नी का। अब जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रफ फॉर्म। अब रफ फॉर्म क्यों होती हैं, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब ये जो होते हैं यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है इसको कहेंगे रफ फॉर्म, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, इस राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से ये रफ हो गए। एंड अदर वन इज स्मूथ फॉर्म, और उसमें वो क्या होगी कि जो स्मूथ फॉर्म होगी ये वाली विदाउट राइबोसोम्स होगी, इसमें राइबोसोम्स नहीं अटैच होंगे इसलिए ये स्मूथ होगी। द रफ सर्फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और राइबोसोम्स जो है, अगर हम इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन अभी ये चीज़ ज़हन में रखें कि राइबोसोम्स जो हैं आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इस तरह से, अच्छा जी, आफ्टर सिंथेसिस प्रोटीन्स आर इधर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। अब यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे तो ये प्रोटीन्स जो होंगे या तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, या तो ये साइटोप्लाज्म में निकाल देंगे, या फिर ये दूसरे सेल में चले जाएंगे और वो इन चैनल्स के जरिए, वो मजीद हम पढ़ेंगे आगे तो इसके बाद समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास SCR का क्या फंक्शन होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में, यानी मेटाबॉलिज्म में अंदर दो प्रोसेसेस आ जाते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो होगी वो किसकी, SCR जो होंगे मेटाबॉलिज्म करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, खासतौर पर लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो क्या रिलीज होगा, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्सीफाई हार्मफुल ड्रग्स, या डिटॉक्सीफाई भी करेंगे हार्मफुल ड्रग्स को। हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, तो कुछ सेल्स में SCR जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा इंपल्सिस को, जैसे कि मसल सेल्स और नर्व सेल्स हैं, इनमें SCR का क्या रोल होगा, इन सेल्स में SCR जो होगा इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा। इन एडिशन SCR जो है प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, ट्रांसपोर्ट भी करता है मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह सेल में जो ट्रांसपोर्ट करना है मटीरियल से, तो वो SCR उसमें हेल्प करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड करेगा, इस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को ताकि उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अलावा जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ SCR और डिफरेंस बिटवीन SCR और RER। तो ये MCAT के लिहाज से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है ये इसके आप देख लीजिएगा।